हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आप कैसे हैं? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है और हर तरफ कोई ना कोई बीमार नजर आता है, बिकॉज वेदर चेंज हो रहा है और वायरल हो रहा है। इसके वजह से कुछ दिन से मैं खुद बीमार थी और हूँ, तो इस वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ पाई। माफ़ी चाहूँगी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और फीवर भी, तो इस वजह से क्योंकि बोलने में तकलीफ़ हो रही थी, तो इस वजह से मेरी कुछ काउंसलिंग अभी पोस्टपोन है। और ज़्यादा मतलब 2-3 दिन हो गए, मैंने कहा वीडियो तो आनी चाहिए, तो आप लोगों से बात की जाए। तो अपना खासा ख्याल रखिए इस मौसम में, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये कोल्ड, फीवर, बॉडी हेडेक, ये सब प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है प्रिकॉशन लीजिए, अपना ख्याल रखिए। और अब क्योंकि ठंड आ गई है तो हमें लगता है कि ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अपने आप को कवर करके रखिए। और ठंडे पानी पीने से, क्योंकि ठंडा पानी मत पियो अभी इस टाइम में, गर्म पानी पिए, स्टीम लें, बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशन हैं जो आप लें और स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स, जिस तरीके से बातें हमारी होती रहती है, तो हम भाई अभी तो कुछ ऐसे थ्रोट पेन है तो कुछ काउंसलिंग तो अभी मेरी पोस्टपोन है, तो आप लोगों के थ्रू ही बात की जाए। कभी कभी बहुत नॉर्मल सी बात है और बहुत नॉर्मल सी बात आज इस वीडियो में होगी, बहुत नॉर्मल टॉपिक। और हम लोगों की जैसे हमारी आपकी एक कॉन्वर्सेशन होती है, उस तरीके की मैंने कहा चलो एक बातचीत की जाए आप लोगों से। एक नॉर्मल जो होता है आम इंसानों में, हर इंसानों में जो देखी जाती है बातें वो होती है। तो आज हम ये नहीं जानेंगे कि मतलब कि रीज़न क्या क्या जेनेटिक होता है, प्रॉब्लम जो मनोरोग होता है या क्या। सम टाइम कभी कभी ये भी देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, और जब वो नहीं होता है तो जब उनके जो उनके चाहत के अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तब वो ओवर थिंकिंग के, एंगजाइटी के या डिप्रेशन के ये पेशेंट धीरे धीरे बनने लग जाते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग उनकी इतनी हो जाती है, इतना सोचने लग जाते हैं कि ये डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। होता ये है फ्रेंड्स कि हमें सम टाइम आप देखोगे कि कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है कि अरे बहुत अच्छा है, आज दिन बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छे वक्त को गुजारा आज, और कभी अचानक से मूड स्विंग हो जाता है और कहते हैं कि इससे तो मतलब बेकार कभी का दिन था ही नहीं, मतलब बहुत बुरा वक्त निकला, बहुत बुरा दिन निकला। ये क्यों होता है? ऐसा होता है ना, ये नॉर्मल चीज़ें होती है कि किसी दिन तो बहुत अच्छे से निकल जाता है हमारा, और किसी दिन क्या होता है कि एकदम से उल्टा हो जाता है, और हम सोचते हैं कि बहुत ही बुरा दिन था, इससे अच्छा तो ये दिन आता ही नहीं। तो ऐसा कुछ होता है। सेकंड, अगर मैं बताऊं आपको, तो कभी कभी क्या होता है, जो इंसान चाहता है, जो चीज़ की कुछ पाना चाहता है वो, या कुछ उसकी जॉब है, या किसी से शादी है, या किसी के साथ रहना है, या सब बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा को थिंग्स हैं जो वो चाहता है और वो उसको नहीं मिल पाता है, और नहीं मिल पाने के रीज़न में क्या होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। अब यहीं पे उल्टा अगर होता कि अगर उसको मिल जाता जो चीज़ उसकी चाहत है वो उसको मिल जाता, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाता, अगर नहीं मिला तो वो ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में चला जाता। तो ये बुलाते हैं, ये क्या होता है, ये दिमाग की एक कहते हैं कि खेल है, ये दिमाग को हम इतना ओवर थिंकिंग में और इतने हम डिप्रेशन के साइड में लेके जाते, तो सोचते हैं उस चीज़ों को कि ये चीज़ें हमें मिली तो क्यों नहीं मिली, वही अगर मिल जाती तो सब कुछ ठीक है, नहीं मिली तो वो बिल्कुल बेकार है। तो समटाइम इस तरीके से होता है। जैसे मैं, मेरी एक वीडियो आई थी पहले जिसमें मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत आराम से चल रहे होते हो, बिल्कुल आपकी लाइफ स्मूथ चल रही होती है, और उसके बाद में आपका मतलब अचानक से आप नीचे आ जाते हो, तो वो आपके डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। तो ये ऐसा नहीं होता। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत सक्सेस पा जाते हो, बहुत आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हो, सब कुछ आपको मिल जाता है, जो भी चाहत आपकी है वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो। अब क्यों चले जाते हो? क्योंकि उस टाइम में क्या होता है आपका, कि सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है,
तो वो टाइम आप बिल्कुल थिंक नहीं करते हो कि ये जो वक्त है वो वक्त एक जैसा नहीं रहेगा। चीज़ें हम ना माइंड को सेट कर देते हैं, माइंड को वहाँ पे वो एडिक्ट कर देते हैं उन बातों के लिए कि बस अब ऐसा ही रहेगा, अब सब कुछ ऐसा ही चलेगा। तो इस चीज़ से हम प्रिपेयर नहीं करके रखते हैं अपने माइंड को कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम नीचे आ सकते हैं। तो जब अचानक से जब हम नीचे आने लग जाते हैं, क्योंकि सक्सेस अगर मिले जो बहुत ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है, बिल्कुल वो नीचे भी आता है, ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही नहीं रहते, नीचे भी आते हैं। तो नीचे आने की जो प्रक्रिया है वो हम अपने दिमाग में एडजस्ट ही नहीं करते हैं। तो रीज़न ये हो जाता है जब हम ये दोनों, क्योंकि अगर हम बिल्कुल हमारा बराबर बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तब हम नहीं सोचते कि अगर नीचे आते हैं, अगर नीचे आ रहे हैं हम, तो नीचे आने के बाद हमारा माइंड कैसा रहना है, हम अपने माइंड को किस तरीके से रखेंगे, तो ये चीज़ें हम नहीं सोचते हैं। इसके विपरीत ये हो जाता है कि हम बिल्कुल स्मूथ कि अब यही लाइफ चलेगी, अब ऐसा ही सब कुछ होगा, यही सोच के मतलब हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं और प्रिपेयर नहीं रहते हैं। और जब इस तरीके से धराम से हम नीचे गिरते हैं तो हमारा डिप्रेशन का रीज़न, एंग्जाइटी का रीज़न और ओवरथिंकिंग का रीज़न बन जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी जो आम इंसानों में देखी जाती है, बहुत आम सी बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जो ये होती है और ये डिप्रेशन का रीज़न बन जाता है। इसको इससे बचने के लिए ये चीज़ें हैं कि आप अपने दिमाग को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आप जो पाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। तो आपको अपने माइंड को समझाना है कि जो मिला वो भी ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, क्योंकि यही होता है ना कि अचानक से हर चीज़ किसी को कहाँ मिल जाती है। अगर आप इसी को अगर नॉर्मली लोगे, मिल गया तो बहुत ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। मैं हर बात के लिए कह रही हूँ, या तो आपके एग्ज़ाम से है, या तो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से है, या तो आपके जॉब से है, या आप कहीं जाना चाहते हो नहीं जा पाए हो, एवरीथिंग, कुछ भी ऐसा जो आप करना चाहते हो और नहीं कर पाए हो आप, तो अगर नहीं कर पाए हो तो उस टाइम में भी आपको आपके माइंड को स्टेबल रखना है, और कर पाए हो तो आप ठीक है, उस टाइम में भी आपको अपने माइंड को बिल्कुल कॉन्शियस में रखना है, सही दिशा में रखना है, कि उसमें भी आप उरो मत अपने दिमाग को मत कि मैं जो चाहता था या मैं जो चाहती थी वो हो गया, क्योंकि हर मायने में हर जगह पर आपको अपने माइंड को एकदम सीमित और सहज रखना है। तो इस तरीके से अगर आप रखोगे तो आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल रहेगा, फिर ना तो ओवरथिंकिंग होगी, ना तो एंग्जाइटी होगी, और ना तो आप किसी डिप्रेशन का या किसी मानसिक रोग के शिकार हो सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ये एक और मैं बहुत नॉर्मल सी बात आप लोगों को बताती हूँ, कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि इसमें भी पहली मेरी वीडियो आई है, जैसे कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बहुत सही सी बात है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो कई बार हम जब कोई सामने के हम जाते हैं और किसी इंसान को अगर हम देखते हैं, वो बहुत अच्छे से परफेक्ट तैयार है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप क्या करते हो वहाँ जाके देखते क्या हो कि वो सामने जो पर्सन है, और आप एक दूसरे को बताते हो कि बहुत ही बुरा लग रहा है, ना कोई ड्रेसिंग सेंस है, ना तो पहनने का तरीका है, ना तो बोलने का लहजा है, ना तो कुछ है, मतलब आप बिल्कुल उस टाइम में मतलब इनसिक्योरिटी आप फील करते हो उस टाइम में। तो वहाँ पर आप क्या करते हो, एक ना मैं आईना दिखा रही हूँ आपको, क्या होता है, वो परफेक्ट है अपने जगह, वो परफेक्ट है, वो तैयार है, वो सब कुछ अपने तरीके से मतलब वेल सेट है, मतलब वो सब कुछ अच्छे तरीके से किया हुआ है, बट आपकी नज़र में वो ठीक नहीं है। अब वहां पे क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, वहां पे आप अपने आप को दर्शा रहे होते हो, जो आप खुद हो, क्योंकि आप उस तरीके से नहीं कर सकते हो जितना वो मतलब स्मार्ट लग रहा है, या जितना वो अच्छे तरीके से एक कपड़े पहन रखा है, जितने लहजे से वो बात कर रहा है, शायद आप नहीं कर पा रहे हो। वहां पे आप अपना स्टेट ऑफ माइंड दिखा रहे हो, वो आप हो, ये आपका आईना होता है।
ये रीजन आप, क्योंकि ये कनेक्ट है, मैं अगर आपको, आप लोगों को बता रही हूँ तो ये कनेक्ट होता है एक दूसरे से, जेलसी करना एक दूसरे, जो आपसे ऊपर है, जो आपसे अच्छा है और आप उसको नीचा दिखाते हो खुद के सामने में औरों के सामने में, तो उस टाइम में आप उसको नहीं दिखा रहे होते हो, आप अपने आप को दिखा रहे होते हो, या आप खुद के आईने हो, खुद का आईना जो आप अपने आप को दिखा रहे होते हो। किसी दूसरे को हम बुरा कहते हैं, किसी दूसरे को हम कहते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है, कहीं अगर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया तो किसी के सहारे पहुंचा है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती है जो बोली जाती है। वो क्या होता है? वो ये होता है कि वो आप होते हो, आप खुद होते हो, या वो ये मैं बहुत नॉर्मली मैं बताऊंगी कि वो मैं हो सकती हूँ, आप हो सकते हो, कोई और, कोई और, कोई और। अगर जिस टाइम में हम किसी के बारे में कुछ बुराई कर रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो हम उसके लिए नहीं बोल रहे होते, वो हम खुद के लिए बोल रहे होते जो हम है। ये एक सच्चाई है। वो उस तरीके की बातें हैं कि एक्सेप्ट करना ना कि बहुत ही सच एक बात है, लेकिन हम उसको कहेंगे नहीं बिल्कुल सच नहीं है। ये इस तरीके की बात है कि सच्चाई सामने होते हुए, देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए हम इग्नोर करते हैं, ये सच्चाई है। तो जो हम होते हैं वही हम दूसरे को कहते हैं। और अगर इस चीज़ को अगर हम जान लेंगे, हम समझ लेंगे कि मान लो जो भी कोई इंसान किसी के लिए भी कुछ कह रहा है, मैं उसके लिए फिर कहूँगी कि किसी के लिए कोई कुछ कह रहा है, तो आपको ये समझना है वो कह रहा है जो वो है, जो वो खुद है। तो ये दिमाग से वही चीज़ें बातें हैं ना हटानी, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग को जैसे ही हमने हटा दिया ना अपने लाइफ से, आपकी लाइफ में ना एक मिरेकल होगा, एक चेंज होगा। मतलब आपको लगेगा कि ये लाइफ है, ये जिंदगी है। आप किसी की बातों को कुछ भी अपने ऊपर नहीं ले लोगे ना, आप फिर ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो आपको कोई एंजाइटी होगी ना, तो आपको कोई फियर होगा ना, तो आप कुछ सोचोगे, मतलब सोच के ना, तो आप अपना दिमाग डिप्रेस करोगे। ये सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, एक नॉर्मल टॉकिंग है आज हमारे और आपके बीच में। चीज़ें होती है कई बार ना, ये छोटी छोटी सी बातें जो ये मानसिक रोग का रीज़न बन जाता है, बहुत नॉर्मल, बहुत छोटी, जो आपके हमारे किसी 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 के साथ हो सकता है और होती है। ये बहुत एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे की कंपटीशन है, एक दूसरे को आप अच्छा नहीं समझ सकते, एक दूसरे के बारे में आपको गलत बोलना है, एक दूसरे की उन्नति देख नहीं सकते, आगे बढ़ते नहीं देख सकते, तो वो सब जो आप कर रहे हो वो आप खुद। आया होगा समझ में बात? तो जब इस तरीके की बातें हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं ना, कि जो हमें कोई कुछ बोल रहा है, एनी बडी, आप सब सुनो, कोई भी अगर आपके लिए कुछ बोल रहा है तो वो पहले खुद है, वो खुद को अपना शीशा दिखा रहा है, अपना आईना दिखा रहा है कि यही मैं हूं जो मैं सामने वाले के लिए बोल रहा हूं या बोल रही हूं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, इसमें ओवरथिंकिंग की बात नहीं है, इसमें डिप्रेशन में जाने की बात नहीं है। जैसे ही आप सोच लोगे इन बातों को, कि अगर, रिपीट कर रही हूँ मैं, कि अगर मुझे कोई कुछ बोल रहा है हमारे बारे में बहुत गलत या बहुत सही या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, तो वो शायद खुद है जो अपने आप को दर्शा रहा है, वो उसका स्टेट ऑफ माइंड है। दैट्स इट, इतनी सी बात है। और जैसे इतनी सी बात अपने दिमाग में आप ले आओगे, आपका दिमाग और आप बिल्कुल हैप्पी, कुछ भी बात नहीं सोचेगा, कुछ भी ओवरथिंकिंग के बारे में नहीं जाएगा। और फिर बहुत ज़्यादा अगर ओवरथिंकिंग के लिए आपका दिमाग अगर जा रहा है, तो एक छोटा सा, बहुत छोटी सी मेडिटेशन आपको करनी है। आपको आइज़ क्लोज करना है, आराम से आइज़ क्लोज करो, बहुत जल्दी मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, सबने बोला बहुत लेंथी हो जाती है, अब बातें बतानी है तो शायद लेंथी होती है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो थोड़ी छोटी हो।
आप लोगों को आप बता दूं मैं कि एक छोटी सी मेडिटेशन आप लोगों को करना है कि किसी भी जगह पे, आप चाहे चेयर पे बैठे हो, चाहे आप बिस्तर पे बैठे हो, चाहे आप मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हो, आप कहीं किसी भी जगह पे बैठे हो आज, मतलब मैं बता रही हूँ बिल्कुल एक टॉकिंग वाली उसमें हूँ मैं, मुद्रा मतलब मूड मेरा वैसा ही है अभी कि उस तरीके से मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। तो आप किसी भी ऐसे जगह पे बैठे हुए हो, वहाँ पे आप आराम से शांत से बैठ जाओ, आईज क्लोज कर लो, डीप ब्रीदिंग लो, और डीप ब्रीदिंग आप इस तरीके से आपको डीप ब्रीदिंग लेना है, एक से दो से तीन बारी आपको लेना है। और जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं एंड छोड़ते हैं, तो पहले तो हम तीन या चार बारी हम इसी तरीके से करेंगे, नॉर्मली करेंगे। अगेन जब हम चार बार मान लो कि हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने ब्रीदिंग इन एंड आउट कर लिया हमने, उसके बाद अगर हमने ब्रीदिंग लिया उसके बाद हम ना अपने सांस को रोकेंगे, थोड़ी देर रोकना है। और जब छोड़ना है तो उस टाइम में अपने माइंड को, अब अपने माइंड को जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो जब हम छोड़ने वाले तो अपने माइंड को हम बताएंगे कि अब हम सांस छोड़ रहे हैं, तो हम अपने माइंड से बात करेंगे उस टाइम में, कॉन्वर्सेशन करेंगे अपने माइंड के साथ कि अब जो पहले तो मैंने ली फिर सांस छोड़, तो जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उस टाइम में हमें अपने माइंड से बात करना है कि अब मैं सांस छोड़ रही हूँ। फिर जब हम ले रहे हैं सांस तो उस टाइम पे भी अपने माइंड से हम बात करेंगे कि अब मैं सांस ले रही हूँ। फिर उसके बाद हम अपने सांस को होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, हम जितनी देर हमारी क्षमता है, जितनी देर आप अपनी सांस को रोक सकते हो उतनी देर आप अपने सांस को रोकोगे, और फिर आप अपने माइंड से बात करोगे कि अब मैंने सांस को रोक रखी है। फिर आप छोड़ोगे, फिर आप बात करोगे अपने माइंड से। तो इस तरीके की प्रक्रिया ना आप मतलब 6 से 7 से 10 बार मतलब कई टाइम आप कर सकते हो, जब तक कि आपका माइंड धीरे 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 आपका माइंड स्टेबल ना हो गया हो। ऐसे में क्या होता है, ये बहुत छोटी सी मेडिटेशन है, जब मेडिटेशन हम करने लग जाते हैं तो कई बार क्या है कि आपके माइंड को बिल्कुल स्टेबल करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ आपको ये प्रक्रिया करने के लिए, क्योंकि जो आपके मन के अंदर ओवर थिंकिंग है, जो विचार आपके मन के अंदर आ रही है जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको बहुत शांत से बैठ जाना है किसी भी जगह पे। आपको कैसे भी आप लेटे हो, जैसे हम शवासन करते हैं आप उस तरीके से करो, आप किसी भी स्थिति में, या आप सुखासन में बैठे हो, या आप पद्मासन में बैठे हो, या आप चेयर पे बैठे हो, कहीं पे भी आप हो, तो किसी भी जगह पे आप कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से आपको करना है कि आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है, बिल्कुल गहरी सांस भरनी है, और फिर धीरे धीरे आराम आराम से आपको छोड़ना है। फिर जब आपकी सांस बिल्कुल थोड़ी सी सहज हो जाती है, उसके बाद में आपको अपने ही माइंड से बात करनी है, आपको बताना है आपके माइंड को कि आप सांस ले रहे हो तब बात करनी है, सांस छोड़ रहे हो तब बात करनी है, सांस रोक रहे हो तब बात करनी है। बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल वहाँ, मतलब जो आपके जो सांसों की प्रक्रिया जा रही चल रही है वहाँ पे कॉन्शस हो जानी है। बिल्कुल दिमाग, आपका दिमाग और आप बात कर रहे हो, जो जो प्रक्रिया आप अपने ब्रीदिंग के साथ कर रहे हो, जो सांसों के, सांस लेना है, छोड़ना, रोकना है, तो ये चीज़ें जब आप करोगे तो आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। फिर जो आपके मन के अंदर जो विचार आते रहते हैं और कई रुक जाते हैं, कई बार क्या होता है ना कि वो विचार, निगेटिव थॉट्स ना ऐसे कि घर कर जाती है, रुक जाती है, तो जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा माइंड पे, ब्रीदिंग पे, और वो जो निगेटिव थॉट्स हैं वो निकलने लग जाएंगे। आगे मैं और आपको बताऊंगी किस तरीके से एक्सरसाइज आपको करनी है, किस तरीके से मेडिटेशन से भी आप अपने जो मानसिक रोग है उससे, या आपके जो निगेटिव थॉट्स है जो बार बार आपके दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं, क्योंकि निगेटिव थॉट्स ऐसा होता है, कई लोग, कई पेशेंट मुझे ये कहते हैं ना कि निगेटिव थॉट्स तो ऐसे हैं कि वो
आते रहते हैं, जबकि पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ती है, पॉजिटिव थॉट्स के लिए हमें सोचना होता है कि अब मुझे ये अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, और नेगेटिव थॉट्स तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, एक्सरसाइज बताऊँगी मैं, या जो मुद्रा है मैं वो बताऊँगी, वो सभी आप करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को ये मानसिक रूप में फ़ायदा होगा। और कुछ ऐसी बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है उसको बहुत नॉर्मली लेना है, और फिर से अगेन रिपीट करूँगी बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करके कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, वो जो आप सोचते हो, वो जो आपके दिमाग पे हावी हो जाता है कि क्या कहेंगे लोग, तो क्या कहेंगे लोग वही कहेंगे जो वो है। तो बस यही एक मंत्र अपने दिमाग में रखिए कि जो लोग हैं वो खुद अपने आप को दर्शा रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो खुद अपना स्टेटस बता रहे हैं। बस ये अगर आप सोचोगे तो आपका माइंड फ्री रहेगा, आप बिल्कुल फ्रीली किसी भी बात को सोचोगे, एकदम छोड़ दोगे, नज़रअंदाज करोगे इन बातों को। जैसे ही आपने कर लिया तो देखो आपका माइंड कितना अच्छा, कितना सही और कितना पॉजिटिव थॉट्स के साइड में जाता है। बस इसी तरीके से बातों को दरकिनार करते रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचिए। अगर एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो वही थॉट्स, अगर आपने किसी के बारे में अच्छा सोचा तो वो आप है। तो इस तरीके से आप अपने आप को अच्छे वाला आईना दिखाइए कि आप अच्छे तो सभी अच्छे। एक दूसरे का साथ देते हुए सकारात्मक सोच के साथ में, बहुत सारे ऊर्जा के साथ में, जिस तरीके से सन हमें सिर्फ ऊर्जा प्रदान करता है, जब ऊर्जा वो देता है, जो वो रोशनी देता है, वो जो एनर्जी देता है हमें, तो उसके बदले में उसे कुछ चाहिए नहीं होता, वो सिर्फ हमें देता है, हमसे लेता कुछ नहीं है। इसी तरीके से आपको बनना है एक सूर्य के समान में कि आपको हर किसी को वो ऊर्जा देनी है, वो सकारात्मक सोच देनी है, बदले में कोई चाहत आपको नहीं रखनी है। इस तरीके से आप अगर ज़िंदगी अपनी जीवन को रखते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो एक बहुत ही अच्छे इंसान कहलाते हैं, बहुत ही अच्छे कर्माज इकट्ठा करते हैं और बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने थॉट्स रख के बहुत सारे लोगों से ब्लेसिंग्स लेते रहिए, और ज़िंदगी को जिंदा दिल से हंसते मुस्कुराते और मस्त कलंदर की तरह आप अपनी ज़िंदगी को जिए, जीना इसी का नाम है। डॉक्टर नीतू सिंह की वीडियो ज़रूर देखते रहिए, कैसा लगता है कमेंट्स में आके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को एंड तक देखिए, कैसा लगता है ज़रूर बताइए। अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छे होने पे फिर से मैं आप लोगों से बात करूंगी, हो सकता है मे बी कि एक दिन दो दिन के लेट हो जाए, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, आप लोगों से बात ज़रूर करूंगी, आऊंगी ज़रूर। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम शिव शंकर।